हेलो एंड वेलकम गाइस टू ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ लेट्स प्ले स्टारडू वैली सीरीज। तो देख सकते हो भाई आप लोग, ये है मंडे वन और समर का सीजन हो चुका है शुरू। तो मतलब गर्मी आ गई है भाई हमारे गेम में, एंड अब इसका मतलब है कि हमें गर्मियों वाले क्रॉप्स भी उगाने पड़ेंगे। तो आओ बाहर चल के देखते हैं हमारे फार्म का क्या हाल हो रखा है। वैसे लक कैसा? अरे अच्छा, एक दिन बाद हमारी कॉपर एक्स भी फिनिश हो जाएगी। मैंने लास्ट टाइम दी थी क्लिंट को अपग्रेड करने के लिए। और देख सकते हो ये सारे क्रॉप्स मर गए हैं, कुछ यहाँ पे पौधे भी उगाए हैं, तो इनको मैं क्लियर कर लेता हूँ। यहाँ पे हर सीजन के गाइस अलग क्रॉप्स होते हैं, तो जैसा कि आपको पता ही है पहले से ही, तो अभी हमें मतलब समर के क्रॉप्स उगाने हैं जो कि भाई बहुत अच्छे होंगे सच में। अरे यार मेरे पास तो एक्स नहीं है, इसे हटा ही नहीं सकता मैं यहाँ पे। कोई बात नहीं, मैंने इतना एरिया क्लियर कर रखा, तो यहाँ पे उगाएंगे हम फार्म्स को, इधर का रहने देंगे, बाकी का यहाँ पे मैं क्लियर कर लेता हूँ जिसमें एक्स की जरूरत ना हो। अरे ये क्या है? एंड गाइस देख सकते हो भाई पिछले एपिसोड में हमारी साइलो भी कंप्लीट हो गई थी। और इसमें हे कितनी है भाई? इसमें है, अरे 70 पीस है हे के, बहुत अच्छी बात है। हेलो मेरी बिल्ली, कैसी है भाई? बिल्ली तो एकदम भाई मस्त तंदुरुस्त है। एंड अपना ये वॉटरिंग कैन ले लेते हैं, इसे भी अपडेट कराएंगे हम आयरन में, बट उसके पहले हमें आयरन लेवल पे पहुँचना पड़ेगा माइन के। एंड अब हम हाँ स्टार फ्रूट को भी उगा सकते हैं और इसको भी उगा सकते हैं हम गाइस, रेड कैबेज सीड को, और मेलन भी उगा सकते हैं। ये सब ले लेता हूँ मैं, और कुछ ऐसा जो कि हम उगा सकें, ये तो नहीं उगा सकते हम। टुलिप ये पता नहीं मैंने क्यों खरीदा था, आई डोंट नो। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो भाई लाइक कर देना वीडियो को, चैनल पर नए हो या सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलो भाई शुरू करते हैं। यहाँ पर पहले तो ऐसा करते हैं, इसको और इस मेलन सीड्स को उगा लेते हैं, और इसको भी। तो सबसे ज़्यादा ये 9 दिन में होगी, ये 12 दिन में होगा, और ये 13 दिन में। तो इनको मैं स्पीड ग्रो जो है हमारे पास उससे उगाऊंगा, इससे थोड़ा टाइम का फ़र्क पड़ जाएगा इसमें। पहले यहाँ का ये सब कुछ क्लियर कर लेता हूँ मैं, ये सारी जो फार्म लैंड मैंने बनाई हुई है, क्योंकि यहाँ पे अभी नहीं उगाएंगे हम, बिकॉज यहाँ पे भाई ये पड़ा हुआ है ट्विग, तो इसके वजह से यहाँ पे नहीं उगा सकते हम। तो देयर वी गो गाइस, और इस स्केयर क्रो भैया को भी हटा लेता हूँ यहाँ से, एंड यहाँ पे हम लगा देते हैं ओके यहाँ पे 1 2। तो गाइस हमारा जो लेआउट होगा फार्म का वो यही रहेगा। वैसे हमारी लेवल 6 फार्मिंग हो गई है क्या? हाँ हमारी लेवल 6 फार्मिंग हो गई है, बट हम अभी ये जो स्प्रिंकलर सही है हमें ये नहीं बना सकते, बिकॉज हमारे पास आइटम्स नहीं है, ना गोल्ड बार है ना आयरन बार है, और रिफाइंड क्वार्ट्ज कुछ पड़ा होगा मेरे पे, एक आध दो पड़े हैं, और वैसे क्वार्ट्स तो हैं अच्छे खासे, उनको भी हम कर लेंगे, बट अभी नहीं कर सकते हम, बिकॉज गोल्ड बार भी चाहिए ना इसके लिए, और आयरन बार भी हमारे पास है ही नहीं। इसमें क्या है? वो एक गोल्ड बार है मेरे पास, क्या बात है। पर ये इस वाले बंडल में जाएगा भाई, इसलिए मैंने लिया था ये गोल्ड क्लिंट से, मेरे को याद आ गया अभी। तो वो तो नहीं बना सकते, बट हम बाकी चीज़ तो कर ही सकते, मतलब हाथों से पानी देना पड़ेगा हमें। तो भाई ऐसा ही 15x15 का हम बनाएंगे यहाँ पे फार्म बेड्स। तो गाइस मैंने कुछ यहाँ पे स्पेस बना लिया, देखो अपने फार्म बेड्स बना लिए 15x15 के, तो 110 क्रॉप्स प्लांट हो सकते हैं अब यहाँ पे, देखो इतने में है ना। बट अभी मेरे को क्या चाहिए, अभी मेरे को और बनाने हैं, बिकॉज मेरे को भाई बहुत सारी ना और चीज़ें भी खरीदनी है। अरे हाँ टाइम तो निकले जा रहा है, पहले मैं चीज़ें खरीद लाऊँ भाई, कभी टाइम निकल जाए सारा, तो अभी चलते हैं सारी चीज़ें खरीदने हम। तो गाइस हमें ज़्यादातर ना ये वाले सीड लेने हैं, देखो आप देख रहे हो 80 का, और हार्वेस्ट प्राइस सिर्फ 55 का है, बट भाई ये रीग्रोएबल है, हर 3-4 दिन में वापस उग जाते हैं, तो ये हमें चाहिए। एंड 9 मेलन सीड है हमारे पास, तो मेलन सीड 1 2 3 4 5 6 मेलन सीड और लेता हूँ, 15 हो जाएगा इसका भी। एंड टमाटो भी हमें चाहिए, टमाटो के ऐसा करते हैं 66 प्राइस है, वैसे बहुत बेकार चीज़ है ये टमाटो, लिटरली पैसे वेस्ट नहीं करना चाहता मैं इस पर, तो इसके जस्ट हम 1 ही ले लेते हैं। पेपर बहुत सही चीज़ है, इससे 3 दिन में रीग्रो होती है ये चीज़, वैसे इतनी ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, क्योंकि इस पर बस 44 हुआ है, बस एक्सपी के लिए अच्छी है ये। तो ऐसा करते हैं 1 पेपर ले लेते हैं, बिकॉज चाहिए नहीं, ज़्यादातर हमें बस ये चाहिए ब्लू बेरी सीड्स भाई। ये तुम्हें बताया मैंने, 3 उगती हैं एक पेड़ पर, और वीट भी चाहिए हमें कुछ, रेडिश तो नहीं लूंगा यार मैं, ओह व्हाट
₹40 की मिल रही है और 99 हार्वेस्ट प्राइस, ये सही लग रही है मस्त एकदम। अरे यार इनका तो मैं भूल ही गया था गाइस, समर में भाई बहुत ज्यादा ही वैरायटी के क्रॉप्स मिलते हैं, देख सकते हो कितने तो क्रॉप ही है हमारे पास यार, कहाँ उगाऊ है इन्हें, मेरे को ज्यादातर तो ये खरीदनी है। बट मुझे ये भी चाहिए हॉप स्टार्टर, क्योंकि इनसे भाई आगे बहुत मस्त मनी मिलेगी अगर ये मैं ले लिए ना, बहुत सही रहेगा। पर इन्हें 11 दिन लगेंगे, इन्हें हम उस पर उगाएंगे ना, मैं स्पीड ग्रो से इन्हें ही उगाएंगे, मेलन वैलन सब भूल जाओ, इसे उगाएंगे स्पीड ग्रो से, भाई लिटरली बता रहा हूँ बहुत सही चीज़ है ये। एंड गाइस यहाँ पे कॉर्न तो भाई हमें लेने ही पड़ेंगे, देखो कॉर्न की हमें सख्त जरूरत है भाई, 30 कॉर्न चाहिए चाहिए, बिकॉज उससे भाई हम वो कर सकते हैं, क्वालिटी क्रॉप्स में देने होते हैं कॉर्न। एंड मेलन भी चाहिए, 15 ही लिए मैंने अभी, वैसे होपफुली मैं 30 लूँ मेलन्स, पता नहीं मुझे। और सनफ्लावर भी आगे जाके चाहिए होगा हमें, यहाँ से नहीं लेंगे हम सनफ्लावर, सनफ्लावर लेंगे हम क्या नाम है आपका जोजा मार्ट से, क्योंकि सनफ्लावर के साथ एक ग्लिच है वो हम करेंगे यहाँ पे। तो भाई अभी मैं सोच रहा हूँ कैसे कैसे क्या लूँ, पहले तो देखो जो जरूरी जरूरी क्रॉप्स है ना वो ले लेते हैं हम, 30 कॉर्न तो चाहिए, 30 कॉर्न हो गए हमारे पास, एक सनफ्लावर चाहिए। अरे यार मैंने यहाँ से क्यों ले लिया सनफ्लावर, मेरे को तो जोजा से लेना था। कोई बात नहीं, ठीक है मैंने 20 हॉप्स ले लिए, हॉप्स 20 काफ़ी आएंगे आई गेस। एंड बाकी सारे अब लेने वाले हैं ब्लूबेरी से, ऐसा करते हैं थोड़ा पैसे और बच रहे ना हमारे पास, तो भाई हम ना 15 और ये ले लेते हैं मेलन सीड, काम आएंगे बाकी सारे ब्लूबेरी सीड। 69 ब्लूबेरी सीड, वेल अगर ये 60 ही हो पाते तो भाई 60 ज़्यादा सही रहेगा, तो मैं ऐसा करता हूँ 9 बेच देता हूँ, क्योंकि हमें नहीं चाहिए 9, क्योंकि हमें भाई इस बार सुंदर सा काम रखना है। ओके तो 9 मैं बेच देता हूँ, बहुत अच्छे, चलो भाई इतना ही चाहिए हमें, और तो कुछ नहीं चाहिए था, मैं जरा एक और बार देख लूँ जरा। हाँ बस, और तो ऐसा करता हूँ पैसे बच रहे ना मेरे पास, बीट का है 10 बीट सीड और ले लेता हूँ मैं, बस चलो भाई इतने ही चाहिए हमें, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। और आई डोंट नो मेरे पास इतना स्पेस भी है कि मैं उगा सकूं, आई एम इन मार्केट फॉर अ डिलीशियस रेडिश। अब मैं रेडिश कहां से लाऊं इसके लिए, सोचना पड़ेगा। यो अबेगल कैसी है भाई गाइस, हाँ मैंने एक और फैसला करा कि हम अबेगल से शादी नहीं करने वाला, अबेगल से नहीं करने वाले हम शादी। हेलो सैम, हम अवैगल से शादी नहीं करने वाले, बिकॉज हम करेंगे अब शादी अपनी नई गर्लफ्रेंड से, एमिली से, सही समझे एमिली से। देखो भाई इसके जो गिफ्ट हैं ना लव गिफ्ट बहुत आसानी से मिल जाते हैं, ऑल दो अवैगल का भी एक एमिथिस्ट है लव गिफ्ट, वो भी आसानी से मिल जाता है, बट हम शादी करेंगे एमिली से। सिर्फ एक इसकी वजह से मैं यहाँ पे प्लांट नहीं कर पा रहा हूँ गाइस, सीड्स देख रहे हो। तो अब बारी आती गाइस प्लांट करने की सीड की, जो कि आगे जाके हमें बहुत प्रॉफिट देगी। देखो भाई कॉर्न को, चलो बाकी चीज़ें हम कल उगा लेंगे, बिकॉज इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको उगाने में। और स्पीड ग्रो मेरे को किस चीज़ को करना था, स्पीड ग्रो मैं भूल रहा हूँ, अरे हाँ हॉप्स को करना था, हॉप्स पे मैं स्पीड ग्रो लगा देता हूँ जल्दी से, और फिर चलते हैं सोने गाइस। अरे मैं तो इन्हें पानी देना भी भूल गया गाइस, और गाइस मैं पानी दे देते पास आउट कर दिया, बदतमीज सा स्केयर ग्रो मेरे बीच में आ गया, वरना मैं दे देता लास्ट टाइम पानी। ओके मेरी कॉपर एक्स रेडी, और मेरी भाई एनर्जी भी नहीं है इतनी आज। कितना गोल्ड गया भाई मेरा, कुछ गोल्ड चला गया यार मेरा, बट कोई बात नहीं चलता है इतना। और लास्ट में बस एक, ये एक इनको पानी देना रह गया था यार, बस एक एक लाइन रह गई थी तुम्हारी पूरी, और ये बदतमीज़ा स्केयर को मेरे बीच में आ गया, दिमाग खराब। देखो इधर वालों के लिए देख लिया इन्होंने, इसने और यहाँ तक तो ये कर ही रहा है बहुत अच्छे। हाँ अब इन सबको फिर से पानी देना पड़ेगा। तो गाइस जो ये हॉप्स है ना, ये देखो बहुत कम आपको पैसा देंगे अगर आप इन्हें ऐसे बेचोगे, इनके लिए आपको एक स्पेशल मशीन क्राफ्ट करनी पड़ेगी जो लेवल 8 फार्मिंग पे खुलेगी आपकी, जिसका नाम है कैग। अगर उसमें आप इस हॉप्स को डाल दोगे तो भाई बस पूछो ही मत, आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट है फिर, उससे आपको मिलेंगी पेल एल कुछ दिनों बाद, शायद से 1.5 या 3 दिन में मिलेगी वो पेल एल बन के, उसमें टाइम लगता है थोड़ा, बट
जब वो मिलेगी ना भाई, बहुत पैसों की बिकेगी लिटरली। ये टिप को भाई जरूर फॉलो करना, ठीक है। एंड यहाँ पे ऐसे ब्लूबेरीज का तो मैंने बता ही दिया है, ये दोनों क्रॉप्स बस उगा लेना। अगर आप कम्युनिटी सेंटर या के लिए नहीं जा रहे हो, जो जा रन कर रहे हो, तो आप ये उगा सकते हो आराम से। ओके गाइस, यहाँ पे मैंने सारे अपने क्रॉप्स को दे दिया है पानी। कोई बचा तो नहीं भैया? हाँ गुड। अब बच ये है बस मेरी बिल्लो रानी। सारे पैसे गाइस मैंने अपने इसी में लगा दिए, क्रॉप्स खरीदने में और डालने में। और हाँ, अभी मेरे कुछ बचे हुए जो क्रॉप्स हैं उन्हें उगा रहे। क्या कर रहा है ये? इस वाली को क्यों नहीं खोल रहा? इन्हें भी उगाना बचा है। तो बस ये पॉपी और ये एक सनफ्लावर भी उगाना है हमें, और एक ये बीट सीड उगाने हमें। इसे भी दो भी। ऐसा करते पहले हमने अपनी एक्स ले आते हैं, ताकि भाई उससे थोड़ा ये जो ट्विग पड़े हुए हैं इन्हें हटा दें हम यहाँ से। बहुत दिमाग खराब कर रहे हो मेरा। ओके गाइस, समर का एक पहला फॉर्जेबल तो मिल गया हमें, स्वीट पी। अब दो और बचे हैं। समर में तीन ही फॉर्जेबल होते हैं उसमें। ओ एलेक्स यहाँ पे आइसक्रीम बेच रहा है। आइसक्रीम पर पैसे मेरे पास कम है भाई, सॉरी एलेक्स, आइसक्रीम नहीं ले सकता मैं तेरे से। ओके भाई, क्लिंट भैया दे दो हमारी एक्स। थैंक यू वेरी मच अपग्रेड करने के लिए। अब हम अगला अपग्रेड जो हम लेंगे ना गाइस, वो हम लेंगे पिकेक्स का। और गाइस अभी मैंने एक चीज देखी कि भाई यहाँ पे ना हमारे पास 11 बीट सीड बचे हुए हैं, जबकि मैंने सिर्फ लिए थे कितने, 20। तो फिर कोई कहीं एक जगह पे बीट सीड रह गया। देखो यहाँ पे ये बदतमीज रह गया भाई, यहाँ पे ये बदतमीज रह गया है इस जगह पे। कितनी दिमाग खराब वाली बात है। अब देखो सिर्फ इसके लिए हमें को कुछ दिन और वेट करना, ये 3 दिन में उग जाएंगे, इसके लिए 4 दिन वेट करना पड़ेगा। ओके, अब ये इस जो चीज ने मेरा दिमाग खराब करा था, इसे हटाओ भाई यहाँ से, हट यहाँ से। अब गाइस कॉपर एक्स हो गए, तो हम इस वाले स्टम्प्स को भी काट सकते हैं, पता है आपको। और ये हमें पता है वुड नहीं देगा, ये हमें देगा हार्ड वुड, है ना मस्त बात। तो यहाँ पे भी उगा देता हूँ मैं बाकी चीजों को। तो देर भी होगा, ये सारे क्रॉप्स को हमने दे दिया पानी। और अब चलते हैं थोड़े से फॉर्जेबल्स इकट्ठे करने। बट उससे पहले मैं सोचा हूँ भाई थोड़ा सा ना फार्म को और क्लियर कर लेते हैं हम। और हाँ गाइस, हमने मशरूम केव ली थी, और इसको अभी तक देखा ही नहीं भाई क्या चल रहा है इसमें। वैसे हमारे पास वो कितने हैं भाई, वुड हमारे पास 260 है ना, तो चलो अच्छी बात है। हम एक चेस्ट बनानी है यहाँ पे, और एक ये वुडन पाथ बनाना है। अब पता है इससे हम प्यारी सी मशीन बनाएंगे यहाँ पे। अरे कहाँ लग रहा है, यहाँ पे हम इस वुडन पाथ को लगाएंगे, और इधर हम लगा देंगे चेस्ट बस। अब देखो ये सब खुद खुद ही कलेक्ट करती रहेगी रोज, हमें रोज आके इसे चेक करने की जरूरत नहीं है। ये मशरूम अभी हमें चाहिए, बिकॉज इसको हमें डोनेट करना है। एक ही चाहिए भाई, तो एक को डाल देता हूँ यहाँ। तो लो भाई, ये सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया यहाँ पे, और बहुत सारा स्पेस और मिल गया हमें। यहाँ पे हम और ब्लूबेरीज उगा सकते हैं, बट आई डोंट नो कि वो उगानी चाहिए हमें कि नहीं उगानी चाहिए, बट हम हॉप्स को जरूर उगाना चाहेंगे। देखो भाई 10, सिर्फ समर 10 तक ये उग जाएगा हमारा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, मजे आ जाएंगे। और इसे हम यहाँ डाल देते हैं, यहाँ यहाँ यहाँ, और चलते हैं अब सोने। कल गाइज हम जाएंगे मछली पकड़ने, जो कि बहुत जरूरी है हमारे फिशिंग बंडल्स के लिए। बट कुछ हो रहा है, अर्थक्वेक आया गाइज कुछ। ओके, अरे आज तो बहुत अच्छा लग रहा है भाई, आज माइन में जाना बनता है भाई। और ये क्या मिला है, दिस इज माय लॉस्ट माय पर्पल शॉर्ट्स, ब्रिंग देम टू डायरेक्टली, आई विल पे एज वेल। ओके भाई, मेरे लू इसकी शॉर्ट्स खो गई हैं भाई, देखते हैं क्या होता है इसमें शॉर्ट्स में। मेरे को मैसेज आया था कि यहाँ पे कुछ फार्म को हमारे डैमेज हुआ है, यहाँ पे कहाँ पे हुआ है डैमेज। देखो भाई ये ओके ही नहीं दे रहे हमारे। वेल कोई बात नहीं, एक ही दिन का फर्क है, एक दिन की हार्वेस्ट उनकी रोक देंगे तो अगले दिन तक सारी हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ फिर से नहीं पानी दो। तो लो भाई सारे क्रॉप्स को दे दिया पानी। अब बची है सिर्फ हमारी बिल्लो रानी, ये लो भाई इसे दे दिया पानी। और देखते हैं भाई मशरूम के में से क्या कुछ अच्छा सा मशरूम मिला है हमें कि नहीं मिला है। मे भी मिला हो, मेरे को पर्पल वाला चाहिए आज, पर्पल वाला नहीं मिला। ओके वेल, ये वाले मशरूम भी अच्छे खासे पैसों को बिक रहे हैं, नहीं मैं ले लेता हूँ भाई। और गाइस मशरूम के का ये फायदा है कि भाई वो हर रोज आपको देती है ये मशरूम्स। ओके ये और देना है बस हमें,
और चलो वही चलते हैं, डोनेट करके आते हैं आइटम्स को। और वेडनेसडे आज तो पियर तो बंद होगा, तो इसे मैं देख लेता हूँ। सिर्फ मुझे स्वीट पीज ही मिले जा रहे हैं, कोई और अफोर्डेबल भी दे दो भाई हमें। सिर्फ स्वीट पीज दिए जा रहा है ये। तो अभी एक बंडल हम अभी फुल्ली कंप्लीट कर सकते हैं, वो इधर है, उसे मैं कर देता हूँ पहले। बाकी इनको मैं अभी देता हूँ, पहले इस वाले को कंप्लीट कर लेते हैं हम। ये लो भाई, इसमें हमें क्या मिली, एक फर्नेस, ठीक है। और इसी के साथ हमारा ये बुलेटिन बोर्ड वाला, बुलेटिन बोर्ड वाला भी बंडल खुल जाता है। ये देखो ये कैसे लेके जा रहा है, बंडल जो कंप्लीट हो गया है। और इसमें भाई ये बहुत ज़्यादा दिमाग खराब बंडल है भाई, सही बता रहा हूँ। इसमें हमें अलग अलग चीज़ें चाहिए यार। देखो पॉपी का सीड मैंने इसलिए खरीदा था, इसलिए मुझे पता था इसमें देना है हमें। और ये मुझे नहीं पता कहाँ मिलेगा, फ्राइड एग तो बन जाएगा, ये बात की चीज़ है, ये भी चाहिए हमें। हाँ ये बहुत दिमाग खराब बंडल है, इसे मैं नहीं देखूँ तो सही रहेगा, वरना गुस्सा आएगा मुझे। ओके भाई, एक्सॉटिक में ये जा, और समर समर क्रॉप में ये जा। एक ग्रेप और एक स्पाइस पेरी और चाहिए हमें बस। और ये वाला बंडल भी कंप्लीट हो गया, उससे हमारा एक स्पेशल बंडल खुलेगा जो कि सिर्फ पैसों से खरीद सकते हैं हम। और फिर एक बहुत बोनस क्लिप, बोनस जगह खुल जाएगी हमारे लिए, उसके लिए क्लिप कह रहा हूँ मैं, बोनस जगह जो कि है डेजर्ट। वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी गाइस हमें। और कुछ आया हुआ, कुछ आई नीड सुपर कुकुम्बर फॉर स्ट्यू। हाँ सुपर कुकुम्बर देखते हैं भाई, कैच करने की कोशिश करते हैं, मिल जाए तो अच्छी बात है। और वैसे आज तो नहीं मिलेगा क्योंकि आज हम जा रहे हैं माइनिंग पे, और मैं ये सब ले आया हूँ अपने साथ, इनको मैं घर पे रख के आता हूँ। ओके दूसरी फर्नेस भी मैंने यहाँ पे लगा दी है इसके साथ में। एंड अब चलते हैं अपने लेके टूल्स को माइनिंग के लिए। स्टील स्वॉर्ड ले लेता हूँ, ये बेस्ट स्वॉर्ड है अभी तक तो हमारे पास। ये भी लेता हूँ, चेरी बॉम काम आ जाए क्या पता। और हमारे पास तो भाई एनर्जी नहीं बची, पहले तो भाई थोड़ी सी एनर्जी ले लूँ मैं चीज़ें खा खा के। ओके गाइस यहाँ पे हमें ग्रेप मिल गया है भाई समर फॉर्जिंग बंडल का, और प्लीज स्पाइस पैरी भी मिल जाए, प्लीज 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 मिल जाए अमॉन का। ओके ये देखो भाई हो गया। चलो भाई एक और बंडल कंप्लीट होने पे आ गया है, बट अभी हम पहले माइनिंग करेंगे और फिर हम बंडल के लिए जाएंगे। एक सेकेंड, वो यहाँ का रास्ता खुल गया गाइस यहाँ पे, ये कहाँ जा रहा है भाई रास्ता, ये तो भाई अजीब सी जगह है कोई, ये क्या है। रेलवे ट्रैक्स यहाँ पे भाई, ट्रेन में आती होगी यहाँ पे, और यहाँ पे भी कोई रास्ता है पता नहीं किस चीज़ का। और भाई स्टेशन साहब ये एक बहुत अच्छी बात है जो कि, और यहाँ पे एक बिल्डिंग भी देखी थी मैंने, कहाँ गई वो, ये रही। और यहाँ पे देखते हैं क्या, ओके बाथ हाउस है ये, बाथ हाउस है। क्या है भाई इसमें नहाने वाने का है क्या, वुमेन मैन, ये वुमेन मैन ही होगा जरूर, खैर इसे बाद में चेक करेंगे। अभी अभी पहले हमें माइनिंग पे जाना है क्योंकि भाई लकी डे रोज रोज नहीं आते हैं, तो पहले भाई वहाँ पे जाके जरा हम थोड़ा सा आयरन लेवल तक तो पहुँच जाए। तो लो भाई हम आ गए माइन में, और जरा ये चैरी बॉम्ब को ना यहाँ पे लगा देता हूँ मैं, क्या पता इसे भी तोड़ दे। लेट सी, बहुत बढ़िया। और इधर का, इधर है क्या चीज़ ये जहाँ मैं देखूँ, वो ये कौन है भाई, ये तो बहुत सस्पिशियस सा बंदा लग रहा है, क्या है ये क्या, जो भी इसने बोला समझ नहीं आया, बस ये बोल के चुप हो गया है, बेफालतू का है क्या ये, कुछ पता नहीं भाई, जो भी है यहाँ से चलते हैं, बेफालतू का हमारा टाइम वेस्ट करवा दिया इसने बंदे ने। तो भाई हम 30th फ्लोर तक तो आ गए थे, और यहाँ पे जरा अब और नीचे जाना है बस हमें। ओके ये और मिल गया, बहुत अच्छी बात है ये तो। ओके कॉपर तो अच्छा खासा पड़ा हुआ है यहाँ पे, ओ वाह ये भी है यहाँ पे। कोई बात नहीं गाइस, लेवल 35 तक ही पहुंच पाए हम, ज़्यादा नीचे नहीं जाएंगे इस बार, बिकॉज अभी मेरे को ये चीज़ें भी डोनेट करके और घर जाना है, और टाइम ज़्यादा हो जाता है इसलिए अभी जाना पड़ेगा हमें। ऑल दो भाई जियोड और ये अच्छे खासे मिल गए हमें, अर्थ क्रिस्टल, या अर्थ क्रिस्टल हमें आगे चाहिए होगा। और ये एक बड़ा वाला बॉम्ब भी मिला है भाई हमें, बहुत अच्छी बात है भाई। इसका क्या यूज़ होगा पता नहीं, क्या यूज़ करेंगे हम आगे वो नहीं पता, बट देखते हैं। और एक आयरन का ओर भी मिलाएगा इस हमें। अच्छा यहाँ पे हमें क्या डोनेट करना था, हाँ हमें ये चीज़ डोनेट करनी है जल्दी से, ने मैं डोनेट कर लेता हूँ। एंड फिर हमारा एक और बंडल खुल जाए जो कि भाई बहुत मज़ेदार बंडल है लिटरली। तो ये लो भाई स्पाइस बैरी, ये लो भाई क्रैप, और 30 समर सीड, बहुत अच्छी बात।
और ये लास्ट बंडल जो है हमारा वो यहाँ पे है, वॉल्ट। ये इसमें भाई हमें बस पैसे से खरीदना है ये बंडल सारा, पैसे करते हो 25,000 रुपये कम से कम चाहिए हमें, जो कि मुझे चीज़ चाहिए ना इससे बहुत मस्त चीज़ मिलेगी 25,000 रुपये इकट्ठे करने पे। चलो भाई अब जाके सो जाते हैं हम और देखते हैं कितने रुपए कमाए हमने। ओ ठीक ठाक कमा लिए, कोई बात नहीं, ज़्यादा नहीं है बट हाँ कम से कम 1,000 तो हो गए होंगे अभी तक हमारे पास रुपये में भी, और ये 1,000 नहीं हो पाए टोटल। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही, होपफुली आपको पसंद आई हो, अगर आई है तो भाई लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो भाई सब्सक्राइब कर देना चैनल को, एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, अब बेल आइकन दबा देना ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। तो थैंक्स गाइज फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, सी यू।